दोस्तों आप ही एक सीएससी संचालक है तो सीएससी के माध्यम से कैसे आप सोसाइटी ट्रस्ट फर्म का पैन कार्ड बना सकते हैं, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हमने बताई है। दोस्तों कोई भी संस्था का पैन कार्ड बनाने के लिए आपके पास संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे इजीली अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए कैसे संस्था का पैन कार्ड बनता है उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई भी एनजीओ संस्था का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे digitalseva.csc.gov/csc पोर्टल को यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो हमारे सामने दोस्तों ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी सीएससी आईडी है वो टाइप कर देनी है, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वैसे कैप्चा कोड दोस्तों आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कोई भी संस्था का पैन कार्ड बनाना है, इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल से पैन लिख के सर्च कर लेना है। जब दोस्तों आप पैन लिखेंगे तो आपके सामने पैन कार्ड की कई सारी एजेंसी का जो वेबसाइट होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगर आप NSDL के माध्यम से पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है NSDL का, वहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप UTI के माध्यम से पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल से UTI के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे UTI के माध्यम से हमारा जो संस्था का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो सिंपल से UTI को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल फोन में UTI के माध्यम से एक मैसेज भेजा गया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। तो सिंपल से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आपके मोबाइल फोन में जो OTP आया है वो दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप किसी भी एनजीओ या फिर किसी भी संस्था का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है अप्लाई न्यू पैन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको न्यू पैन पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है तो इसको आपको सिंपल से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे फॉर्म नंबर 49A ओपन हो चुका है, इसके माध्यम से आप अपने एनजीओ का पैन कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है फिजिकल मोड, इसको आपको यहाँ पे टिक मार्क रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से जो आपका ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने सोसाइटी एक्ट के तहत आपका जो एनजीओ है वो रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे सिंपल से एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ट्रस्ट एक्ट के तहत आपका जो एनजीओ है वो रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको फर्म के एक्ट के तहत जो आपका एनजीओ है रजिस्ट्रेशन, तो आपको फर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो एनजीओ है वो दोस्तों सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है तो हम यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए है, अगर आपको फिजिकल मोड और ई पैन कार्ड दोनों चाहिए तो पहले नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद अगर आपको ओनली फॉर ई पैन ही चाहिए तो आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे फिजिकल और ई पैन कार्ड दोनों चाहिए तो पहले नंबर का ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सिंपल से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने रेफरेंस नंबर आ चुका है, इसको आपको एक बार नोट कर लेना है और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल को मेंशन करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपकी जो संस्था है एनजीओ है उसका पूरा नेम टाइप करना है। तो सही से आपका जो एनजीओ है उसका नेम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी संस्था का नेम टाइप करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिक ही जो आपके कार्ड में आपके पैन कार्ड में जो नेम होता है वो किस प्रकार से आएगा वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको आपको चेंजेस नहीं करना है, इसी प्रकार से आपके पैन कार्ड में आपके संस्था का नेम आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, मतलब इसमें आपकी जो संस्था कब बनी थी, आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पे टाइप करनी होती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं तो ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे और रेसिडेंस एड्रेस देना चाहते हैं तो रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल से हम रेसिडेंट को ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रेसिडेंट स्टेट को सिलेक्ट करना है तो हमारा जो स्टेट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑफिस स्टेट को सिलेक्ट करना है तो ऑफिस स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव स्टेट को सिलेक्ट करना होता है, तो इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों वहां पर क्लिक करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको किन किन डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, किस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, वो यहाँ पे आपको सही से मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है, तो इसके लिए सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एनजीओ है, आपकी जो संस्था है, उसमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोसाइटी एक्ट के तहत आपका संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये जो ऑप्शन है सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको देख लेना है कि आपका एड्रेस प्रूफ कौन सा आप अपलोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट एक्ट के तहत हुआ है तो आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, चैरिटेबल कमिश्नर वाला। तो हमारे सोसाइटी एक्ट में, तो हम चौथे नंबर का सोसाइटी एक्ट वाला जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, तो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे DOB ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपकी संस्था कब किस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुई थी वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से हमारा जो पैन कार्ड है वो जनरेट होगा, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पेमेंट करना होता है, तो मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका CSC ID का जो पासवर्ड रहता है वो यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे वैलिडिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपके CSC ID का वॉलेट पिन टाइप करना है, तो हमारा वॉलेट पिन हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद सिंपल से पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो रहा है, तो हमारा जो पेमेंट है वो सही तरीके से हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल को टाइप करना होता है, तो फिलहाल जो आपके संस्था का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपकी जो संस्था की ईमेल आईडी है वो यहाँ पे टाइप करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल को टाइप करना होता है, आपकी जो संस्था है उसका जो एड्रेस है वो दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो संस्था का जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप करना होता है, तो आपके संस्था का जो फ्लोर नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, फ्लैट नंबर है या फिर ब्लॉक नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, आपके संस्था का जो विलेज है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, आपकी जो संस्था का पोस्ट ऑफिस है कहाँ पे पड़ता हुआ है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, और संस्था का जो तहसील है वो यहाँ पे टाइप करना है, संस्था का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद आपका स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, आपकी संस्था का जो पैन नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी आ चुका होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस को टाइप करना है, आपकी जो संस्था है एनजीओ है उसका ऑफिस कहाँ पे है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ऑफिस का पूरा नेम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद आपका जो फ्लोर है, ब्लॉक नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, संस्था का जो विलेज है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, संस्था का जो पोस्ट ऑफिस है उसका रोड स्ट्रीट कहाँ पे है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, संस्था का तहसील यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, संस्था का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे संस्था का जो पिन कोड नंबर है टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एनजीओ का सोर्स ऑफ इनकम टाइप करना है, मतलब आपकी जो एनजीओ है उसका इनकम सोर्स क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें से आपको सैलरी है वो यहाँ पे टिक नहीं कर सकते, नो इनकम भी यहाँ पे आप टिक नहीं कर सकते, मतलब आपका जो एनजीओ का इनकम है वो यहाँ पे चार ऑप्शन में ही सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो एरिया है उसका AO कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेच कर लेता है, तो आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका एरिया कोड ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करना होता है, आपकी जो एनजीओ है संस्था है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे सही तरीके से टाइप करना है, रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी एक्ट के तहत हुआ है तो आपको CIN नंबर को टाइप करना है। तो हमारी जो एनजीओ है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोस्तों हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस है उसको आपको छोड़ देना है, इसमें कोई भी डिटेल को ऐड नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैपेसिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
और यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट होता है, जिसकी भी अथॉरिटी होती है, सिग्नेचर जिसका लगता है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई नेम में आपका जो प्रेसिडेंट होता है, जो भी संस्था चला रहा होता है, जिसकी सिग्नेचर लगती है, उसका नेम आपको यहाँ पे सही से मेंशन कर देना है। वेरीफाई प्लेस के ऑप्शन पर आपका जो संस्था का एड्रेस है, उसका जो प्लेस है, वो यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारी जो एक्नॉलेजमेंट शीट है वो यहां पे ओपन हो चुकी है। अब आपको यहां पे डाउनलोड पीडीएफ के फॉर्म को ओपन कर लेना है। तो हमारा जो पीडीएफ फॉर्म है वो यहां पे डाउनलोड हो चुका है और यहां पे दोस्तों ये जो स्लिप है वो आप कस्टमर को देना चाहते हैं तो प्रिंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहां पे प्रिंट नहीं चाहिए। अब दोस्तों हमने जो यहां पे फॉर्म सबमिट किया है उसकी पीडीएफ हमने डाउनलोड की है, तो पीडीएफ को ओपन करेंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास प्रिंट आउट आ चुकी है। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपका जो एनजीओ है उसका जो स्टैंप होता है वो स्टैंप लगाना है और जिसकी भी सिग्नेचर लगती है वो सिग्नेचर ऊपर कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे दोस्तों आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी आपका जो संस्था का जो स्टैंप है वो लगेगा और सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो पीडीएफ है उसको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना होता है। अब दोस्तों आपने जो प्रिंट आउट निकाला था उसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसकी साइन और स्टैंप लगा के आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इसमें आपको जो अपने प्रिंट आउट निकाली थी उसकी एक कॉपी और जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसकी कॉपी, इन सभी को अटैच करके आपको एक पीडीएफ बना लेनी है। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से फिर से अप्लाई न्यू पैन के ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी डिटेल मिल जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे सिंपल से अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो पीडीएफ आपने बनाया है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और सिंपल से ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दोस्तों अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पांचवें नंबर का ऑप्शन है ट्रैक पैन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और फाइंड स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो सही तरीके से सबमिट हो चुका है। किस डेट को हुआ था, उसका स्टेटस क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से किसी भी एनजीओ है, ट्रस्ट है या फिर फर्म है, सभी का पैन कार्ड आप इसी प्रकार से बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।